Now we will see zeros of polynomial. So before we study zeros of polynomial, let's see what is linear equation. Not linear equation, linear polynomial. So in linear polynomial, if degree, what is degree? Degree is maximum power of variables in polynomial. What is degree? Maximum power of a variable in polynomial. So here it is a polynomial. What is the degree? Degree is 1, because in each of this factor, this is variable, this is coefficient, right? Here x is involved, but what is the value of x? That is, what is the power of x? It is 0, right? So what is the maximum of 0 and 1? Which one is bigger? कौन सा बड़ा है इसमें? One बड़ा है, ठीक है? तो अगर one बड़ा है यहाँ पे, so अगर ये one बड़ा है, तो ये degree हो गया इस polynomial का degree क्या हो गया? One. अगर इस polynomial का degree one है, तो वो क्या होता है? Linear polynomial. क्या होता है? Linear polynomial. और quadratic polynomial क्या होता है? Quadratic polynomial में अगर डिग्री क्या हो गया, अगर डिग्री 2 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, राइट? बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? अगर डिग्री क्या हो गया 4, राइट? क्यूबिक क्या हो गया? क्यूबिक अगर डिग्री क्या हो गया 3. यानी आपको पॉलिनोमियल में सारे वेरिएबल जो है x, उसको आपको चेक करना है, x और y, g, whatever, उसमें देखना है आपको कि उसका पावर जो है सबसे मैक्सिमम कौन सा. अगर 4 है, 3 है, 2 है, तो 4 मैक्सिमम हो गया. तो 4 इज द डिग्री, राइट? तो 4 डिग्री अगर है तो वो क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ हो, p ऑफ x, किसी भी x इक्वल टू अल्फा वैल्यू के लिए अगर उस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, और उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर करते हैं? इक्वेट, जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं. तो अगर वो जीरो हो जाता है, इक्वेट करने का मतलब जीरो के बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरोस एग्जिस्ट करता है. यानी आपसे कोई कहे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. और एक्स की वैल्यू अगर रियल वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे यस, इस पॉलिनोमियल का रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यानी इसका जीरोस एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, पी ऑफ एक्स. तो हम लोग क्या करेंगे? पी ऑफ अल्फा, कोई भी अल्फा के लिए, इक्वल टू जीरो करेंगे. यानी ये हमें करना है टास्क. एक इजी वे है, ये है कि इसको डायरेक्टली इक्वल टू जीरो करो और एक्स का वैल्यू निकाल लो. और अगर एक्स की वैल्यू अगर रियल नंबर आ रही है तो इसका जीरोस एग्जिस्ट करता है. बट थोड़ा सा आप लोग स्ट्रीम लाइन चलो. अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहे तो आप उसमें लिखो कि लेट से अल्फा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सो पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो एज पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. देन पी ऑफ अल्फा इज व्हाट? अल्फा यहां एक्स की जगह पुट करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां अल्फा पुट करेंगे. अल्फा पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा, और उसको इक्वल टू जीरो करो, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू जीरो, विच इज नथिंग बट अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, विच इज नथिंग बट अल्फा इज इक्वल टू 2.
यस, सो आई कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे, x के वैल्यू 2 पे ये पॉलिनोमियल का जीरोस निकलता है, यानी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप लोगों को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा 12th लेवल का, तो उसमें मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा जिसमें ये ग्राफ कहां पे कट करता है, ये दोनों अगर सेम पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, ये पैराबोला होता है, पैराबोला बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बस अभी आप ये जानो जीरो पॉलिनोमियल के लिए इक्वेट टू जीरो करते हैं, एंड देन जो वैल्यू अगर आ जाता है, रियल वैल्यू होता है अगर वो, तो उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है। थैंक यू।